हेलो। तो अब तक हम लोगों ने रेट ऑफ़ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट को देखा, हमने उसके कुछ फॉर्मूलेस को देखा, रेट को कैसे रिलेट करते हैं हमने उनको देखा। हमने ये भी देखा कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है तो बड़ा आसान हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे, जो केमिकल काइनेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है रेट लॉ, या जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर, आपको जब भी कोई कहता है रेट लॉ लिखने के लिए, हाउ विल यू रिफाइन रेट लॉ, या आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे? तो सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट मी से मेरे पास एक रिएक्शन है ए टाइम्स ए, मेरे पास एक रिएक्शन है बी टाइम्स बी, और ये मुझे देने वाला है लेट अस से सी टाइम्स सी, और ये मुझे देने वाला है डी टाइम्स डी। सर, कोई भी रिएक्शन आगे, तो या तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है या तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। तो लेट अस से फॉर अ टाइमिंग मैं मान के चलता हूँ ये एक इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सर, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आपको रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। आइदर दिस रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री, या तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकता है, और आइदर दिस रिएक्शन कैन बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है। जब मैं आपसे कहता हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन, सर एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, आप उन रिएक्शंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा होगा, सबसे सिंपल रिएक्शन लेता हूँ समझने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो HCl प्लस NaOH, आप NaOH उसके अंदर ऐड करते हो और फिर आप उसको कह देते हो कि वो आपको देता है NaCl प्लस वाटर। सर मुझे बताओ, क्या इसको और सिंपल वे में लिखा जा सकता है? क्या इसमें और कुछ हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? वेरैज आप अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लो, लेट अस टेक एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, आप कोई भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ले लो, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं होते। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है, कभी H प्लस ऐड होगा, फिर H प्लस निकलेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये होगा, फिर वो लास्ट में जाके आपको कहीं पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जो अगर सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं उसको और तोड़ नहीं सकता, या मैं उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, हम ऐसे रिएक्शंस को कहेंगे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शंस है। वेरेज अगर मेरे पास ऐसा कोई रिएक्शंस है जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, एक ही स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में होने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिलता है, हम उन रिएक्शन को कहेंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। एंड मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं नहीं कह रहा कि सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपने अगर पढ़ा होगा, आप देखो कभी भी आप करते हो या तो एसिडिक मीडियम में लेते हो, आप कभी कैटलिस्ट का यूज करते हो, आप कभी कुछ ना कुछ सिंगल स्टेप में, तो सर कभी नहीं ये रिएक्शन मिलता। तो सर अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हाउ विल यू एक्सप्रेस अ रेट ऑफ अ रिएक्शन? सर अगर ये ऊपर वाला दिया हुआ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता, तो सर मुझे सिंपल पता है रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एज वेल एज रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो मैं लिख सकता हूं रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। नाउ सर इसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सर समझने की कोशिश करना, अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आपको सिखाने वाला हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। सर ये कहता है कि मेरे रिएक्शन का रेट कितना होगा वो डिपेंड करता है, अब इस वक्त मेरे पास रिएक्टेंट कितना है, आपने स्टार्टिंग कितने से किया उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने भले स्टार्टिंग 50 रुपये से किया, 50 से किया हो, पर उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि अब आपके पास कितना है रेट ऑफ अ रिएक्शन एट दैट मोमेंट। बिकॉज हम केमिकल काइनेटिक्स में किसके साथ डील करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट के साथ डील करते हैं। इस वक्त मेरा रेट कितना होगा वो डिपेंड करता है इस वक्त मेरे पास कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। इसको समझाने के लिए मैंने एक एनालॉजी लिया, लेट अस से, क्योंकि हमको पैसे की भाषा में बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। तो सपोज करो कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं हर बार आपको 10% देने वाला हूं, तो अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे तो मुझे आपको 1% देना, यानी मैं आपको 1 रुपया दूंगा, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? 9 रुपए। अब मेरे पास 9 रुपए हैं, अब मैं आपको वापस से 10% देने वाला हूं, वेट मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, अब पहले 1 रुपए दिया ना, अब मैं आपको मेरे पास जो बचा हुआ 9 रुपए है उसका 1% मैं आपको देने वाला हूं। तो 9 रुपए का 10% कितना होता है? सॉरी, दिस विल बी 0.9। तो 9 रुपए में से 0.9 को माइनस कर दो, मेरे पास कितना बचेगा? 8.1 रुपीज। अब मेरे पास 8.1 रुपीज है, मैं वापस से आपको फिर से देने वाला हूं, पर मैं आपको फिर से कितना दूंगा? 10% ही दूंगा, पर वो 10% मतलब कितना? वो 10% डिपेंड करेगा अब मेरे पास कितना है। सर अब मेरे पास 8.1 रुपीज है, 8.1 रुपीज का 10% होता है 0.81 रुपीज, तो मैं आपको 0.81 रुपीज दूंगा। अब वापस से 8.1 में से अगर मैंने आपको 0.81 दे दिया, तो माइनस मेरे पास कितना बचेगा? 7.29। सर अब मैं फिर से 7.29 का 10% आपको देने वाला हूं, दैट कम्स आउट टू बी 0.729। अब ऐसे अगर करते जाओगे, व्हाट यू कैन नोटिस ओवर हियर कि मेरे पास कितना अमाउंट है उस वक्त,
इज गेटिंग डिक्रीज्ड, मेरे पास का अमाउंट धीरे 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 कम होते जा रहा है, एंड व्हाट आई एम गिविंग यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। पहले मैं आपको एक रुपए दिया, फिर मैंने आपको 0.9 दिया, फिर मैंने आपको 0.81 दिया, फिर मैंने आपको 0.729 दिया। सर अमाउंट हर वक्त कम हो रहा ना, पर अगर आप एक चीज गौर करो, पर मैं तो आपको हर वक्त 10% ही दे रहा था। आई वॉज गिविंग यू 10% ऑफ वॉट आई वॉज हैविंग एट दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस, उस वक्त मेरे पास कितना है मैं उसका 10% आपको दूंगा। सिमिलरली रेट ऑफ ए रिएक्शन कितना होगा, एक सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट विल डिपेंड कि उस वक्त कितना है उसका उतना उसमें कन्वर्ट होगा। एंड जैसे यहां पे 10% था, व्हाट डू यू मीन बाय 10%, हर वक्त मैं आपको क्या दे रहा हूं, दैट इज 10%, नॉट दैट 10% इज ऑफ व्हाट आई वाज हैविंग ओरिजिनली, दैट्स ओवर हियर इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। तो आप जब भी सर रेट ऑफ ए रिएक्शन को लिखोगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन को समझने की कोशिश करना, रेट ऑफ ए रिएक्शन आपको बताता है कि उस वक्त रेट ऑफ ए रिएक्शन कितना होगा, डिपेंड करेगा उस वक्त इक्विलिब्रियम पे, उस वक्त अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस वक्त ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उस वक्त बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। बट सर लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लीट, नॉट सो सिंपल। आप जब भी ऐसे लिखोगे रेट ऑफ ए रिएक्शन इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट्स रेज टू सम पावर, वहां पे कुछ रेज टू एक पावर भी आती है जिसको अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगी ए रेज टू ए। अगर वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, लेट अस से अगर यही रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता तो उस समय आप रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या लिखते, उस समय आप रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ ए रिएक्शन वुड हैव बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड रेट ऑफ ए रिएक्शन वुड हैव बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सर यहां अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये पावर में कुछ जाती है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्डर, दिस ए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पावर, ये पावर सर इस पावर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, एंड आई नो बहुत सारे लोग इस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये कहना क्या चाहता है। सर इसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको ये मान के चलते हैं कि आप ये जो ए और बी लिखते हो, इस ए और बी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो सिमिलरली सर अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन उसका स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट ही होता है, बट अगर इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी दी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा, उस समय मैं इसको एक्स मानूंगा और इसको मैं वाई मानूंगा। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एक्स एंड बी रेज टू वाई, दिस इज ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहां पर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो सर आपने अगर यहां पे ए और बी लिखा है तो रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू ए एंड बी रेज टू बी। सर मैंने ये क्यों बताया, सर आप कोई भी बुक्स देखोगे आप अगर काइनेटिक्स की, मोस्ट ऑफ द बुक्स में रेट ऑफ ए रिएक्शन को डायरेक्टली इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, एंड जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते तो वहां पे रेट लॉ आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन आता है। आप वहां पे अगर देखोगे तो वो बोलते हैं रेट ऑफ एनी फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम वहां समझ नहीं पाते कि एक तरफ आप रेट ऑफ ए रिएक्शन को एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स और रेस टू वाई बोलते हो, और वहीं पर भी आप रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखते हो तो उस समय रेस टू ए और रेस टू बी रेस टू सी और रेस टू डी लेते हो, ये समझ में नहीं आता। सर इसका सिंपल फंडा यही है कि आप अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करोगे तो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही उसके पावर का काम करता है, यानी उसके ऑर्डर का काम करता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हो उस समय आप एक्स और वाई क्या होगा आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और अगर वो पांच स्टेप्स में होता है तो मे बी उसमें से कोई तो एक स्टेप होगी जो बहुत स्लो स्टेप होगी, और वो जो बहुत स्लो स्टेप होती है वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जिसको आप RDS बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो स्टेप पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना, क्योंकि बाकी की चार स्टेप्स तो फास्ट होने वाली हैं, जो स्टेप स्लो होती है वही डिसाइड करती है कि रिएक्शन का स्पीड कितना होगा, और उस स्टेप को देखकर आप डिटरमाइन करोगे कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसको तो आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप एक वेसल लेते हो और आप वेसल में रिएक्शन मिक्सचर डालते हो तो आप नहीं बोल सकते कि कौन सी स्टेप है जो स्लो है या कौन सी स्टेप है जो फास्ट है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो कि उस समय उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यही रीजन है कि यहां पे आप जब भी कहोगे एक्स और वाई आप इसको कहोगे इट्स एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटली
डिटरमाइन, तो आप इसको देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, आप उस रिएक्शन को देख के कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन सी वो स्टेप है जो स्लो स्टेप होगी या कौन सी वो स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। वेरेज आपके पास अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो सिंस वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, वही सिंगल स्टेप में होने वाला है, तो उसी का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका ऑर्डर का काम करता है। Now the question arises, what basically do you mean by order of a reaction? ये order of a reaction होता क्या है? Now, order of a reaction को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस चीज को पूरा करते हैं। तो आप rate of a reaction को क्या लिख सकते हो? Rate of a reaction will be equal to, since मुझे यहाँ पे directly proportionality को हटाना है, तो मैं लिखूंगा k into a raised to x into b raised to y, जहाँ पे this k is called as rate constant, इसको हम rate constant कहते हैं। सर याद रखना, अगर x plus y का वैल्यू इफ x plus y कम्स आउट टू बी 1, हम उसको कहते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट्स एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर ओवरऑल मिला के 1 आना चाहिए, मे बी ये हाफ हो सकता है, ये हाफ हो सकता है तो 1 आ जाएगा, मे बी ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है तो भी 1 आएगा, मे बी ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है तो भी 1 आएगा, पर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन आई एम नॉट आस्किंग यू ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द रिएक्टेंट, आई एम आस्किंग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। एंड जब भी मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की बात करूंगा, इट विल बी एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई मिला के अगर 1 आता है इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर एक्स प्लस वाई मिला के अगर वो 2 आता है इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड तो सर मुद्दे पर बात करते हैं, हमारा जो अगला मुद्दा है उसको कहेंगे रेट कॉन्स्टेंट, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेट कॉन्स्टेंट। What basically do you mean by rate constant? पहले तो इस रेट कॉन्स्टेंट को समझते हैं और फिर हम उसके यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना सर। सर मैं इसी एग्जाम्पल को लेने के चलने की कोशिश करता हूँ। सर मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास 10 रुपए थे तब मैंने आपको कितना रुपए दिया? तब मैंने आपको 1 रुपए दिया, यानी what I am giving you is 10%। मेरा 10% हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए भैया, जब भी मैं आपको दूंगा वो 10% होना चाहिए। तो जब 10 रुपए था तब मैंने आपको कितना दिया? 1 रुपए दिया। अच्छा मान लो अगर मेरे पास 1 रुपए होता तब मैं आपको कितना देता? लेट मी से x रुपीज देता, यानी 1 रुपया अगर मेरे पास होता तो मैं मुझे 1 रुपये का आपको कुछ देना पड़ेगा। व्हाट विल बी दैट x? x का वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी, आप देख के कर सकते हो, दिस विल बी 1/10, यानी मैं आपको कितना देता? 0.1 रुपीज मैं आपको देता। यानी सर अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं 1 रुपये में से आपको कितना देने वाला हूँ, आप कभी भी ये पता लगा सकते हो कि अगर मेरे पास अब 7 रुपये हैं तो बोलो मैं कितना दूंगा आपको। तो भाई सीधी सी बात है, 10 रुपए थे तो आप मुझे 1 रुपए दे रहे थे, तो 1 रुपए होगा तो आप मुझे कितना देने वाले हो? 0.1। सर बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जरा समझने की कोशिश करना। सर आप मुझे बताओ, आप 1 रुपए में से मुझे कितना देने वाले हो? आप मुझे 1 रुपए में से 0.1 देने वाले हो, दैट इज हमारा निकल के आ रहा है। तो 10 रुपए में से आपने मुझे कितना दिया होगा, कैलकुलेशन करके बता दो सर। तो 10 रुपए में से मैंने 1 रुपए दिया होगा, आपको कैसे पता? दी अमाउंट गिवन विल बी, एक में से कितना दे रहा था? 0.1। अब आपके पास कितना है? 10, तो आंसर कितना निकल के आएगा? 1। अच्छा मुझे बताओ, 1 रुपए चला गया, अब मेरे पास कितना बच गया? 9 रुपए बच गया। अब मुझे बताओ, अब मैं आपको कितना रुपए दूंगा? तो बताओ एक में से कितना दिया होगा? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है? 9 रुपए, तो मैं आपको कितना दूंगा? 0.9। आई होप समझा सर। अब मुझे बताओ, चलो 0.9 निकल गया, अब मेरे पास कितना बच गया? 8.1। मुझे बताओ अब मैं आपको कितना दूंगा? तो सर अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 8.1, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.81। सर आपको नहीं लगता अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 4.779 रुपीज बच गए हैं और मुझे आपको 10% देना है तो बोलो मैं कितना दूं? सो द अमाउंट दैट हैज टू बी गिवन विल बी इक्वल टू 0.1, क्योंकि अगर 1 रुपीज होता तो आप मुझे कितना देते? 0.1, पर अब आपके पास कितना है? 4.779, यानी आप मुझे कितना देने वाले हो? 0.4779 रुपीज दोगे। सर कुछ समझा इससे? सर मुझे इससे यह समझ में आया कि द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, यानी मेरा कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इज इक्वल टू 1 रुपए में से कितना गया मल्टीप्लाइड बाय अब आपके पास कितना है। सर सिमिलरली अगर आपके पास एक रेट ऑफ अ रिएक्शन है, लेट अस से ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी, तो अब मेरा रेट ऑफ अ रिएक्शन कितना है, हाउ मच अमाउंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन कि अगर मेरा रिएक्टेंट 1 होता तो कितना जा रहा होता, एंड दैट्स समवेयर कॉल्ड एज रेट कॉन्स्टेंट, उसको रेट कॉन्स्टेंट कहा जाता है।
मुझे पता है बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, और आप बहुत बहुत अलग तरीके से इस चीज़ को समझ रहे हो। कभी हमने रेट कांस्टेंट को और पैसे का एनालॉजी हमने कभी देखा नहीं होगा, मे बी शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट इसको समझने की कोशिश करना। अगर कोई मुझसे कहे मेरे पास 3.45 रुपीज़ है, अब मैं 3.45 रुपीज़ का 10% आपको देने वाला हूँ, तो कितना दूंगा? हाउ मच विल गेट ट्रांसफर ओवर देयर? नाउ इट विल डिपेंड अपॉन कि अगर मेरे पास 1 रुपीज हुआ होता तब मैंने कितना दिया होता। तो ऑब्वियसली 1 रुपीज का 10% कम्स आउट टू बी 0.1, एग्री करते हो? तो अगर 1 रुपए होता तो मैं आपको 0.1 देता, पर अब मेरे पास कितना है, लेट अस से 3.45 है, तो मैंने कितना दिया, हाउ मच इज गेटिंग कन्वर्टेड टूवर्ड्स यू, विल डिपेंड अपॉन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच आई हैव राइट नाउ। सर समझने की कोशिश करना, अगर 1 रुपए में से मैंने 0.1 आपको दिया होता, अब मेरे पास 3.45 है, तो बताओ मैंने आपको कितना दिया, यानी मुझसे कितना गायब हुआ, हाउ मच इज गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम माई साइड। दैट सिंपली मीन्स हाउ मच ए विल गेट कन्वर्टेड इन टू पी, हाउ मच मनी आई विल गिव यू, हाउ मच ए विल गेट कन्वर्टेड इन टू पी विल बी इक्वल टू 1 रुपए में से कितना दिया, 0.1। तो अगर ए का वैल्यू 1 होता, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता, तो कितना ट्रांसफर हुआ होता, दैट्स कॉल्ड एज रेट कॉन्स्टेंट। जैसे यहां पे दिस विल बी, लेट अस से मैं इसको लिख देता हूं मनी, सो मनी गिवन विल बी 1 रुपए में से कितना गया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास कितना है, 3.45। सर सिमिलरली अगर 1 होता तो कितना गया होता, दैट्स के मल्टीप्लाइड बाय, अब ए कितना है, दैट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आई होप समझा, दैट्स क्वाइट सिंपल, प्लीज डू अंडरस्टैंड इट। सो रेट कॉन्स्टेंट का सिंपल मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेटिंग कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट इफ द कॉन्सेंट्रेशन वर 1 मोलार। अगर ए और बी या सी या डी जो भी हो, आई डोंट केयर कितना है वो, अगर वो सब 1 मोलार होता, 1 मोल होता, उस समय कितना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, दैट्स कॉल्ड एज रेट कॉन्स्टेंट। अब कितना होगा, हाँ तो बताओ अब तुम्हारा कितना है भाई, 1 मोल में से इतना होने वाला है, दैट फिक्स, दैट्स कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। तो अब मेरे पास ए और बी कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। आई होप रेट कॉन्स्टेंट का मीनिंग समझ में आया, कि वॉट बेसिकली डू यू मीन बाय रेट कॉन्स्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इसका यूनिट क्या होगा, वॉट वुड बी द यूनिट ऑफ अ रेट कॉन्स्टेंट। तो एक काम करने की कोशिश करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। लेट अस से अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट पी, मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी के इन टू ए रेज टू एक्स इन टू बी रेज टू वाई। अब क्लियर है? या अगर आप इसको इस तरीके से भी नहीं लिखना चाहते, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लेट अस से ए दैट्स ओनली वन रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी, तो उस समय रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट वुड हैव बीन इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स। एक सिंपल वर्जन लेके चलता हूं, तो व्हाट विल बी के विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स। आप रेट को कैसे लिखते हो, इसको सेपरेट कर लेते हैं, आर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए रेज टू एक्स। तो आप रेट को कैसे लिखते हो, रेट इज नथिंग बट चेंज इन द, उसको हम मोला लिखते हैं, मोल पर डीएम क्यू, मोल्स पर डीएम क्यू बराबर, और नीचे क्या आ जाता है, पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय। आप कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखते हो मोल्स पर डीएम क्यूब रेस टू क्या हो जाएगा, एक्स। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के विल डिपेंड अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है। जैसे के का यूनिट क्या होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस स्टार्ट फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर लेते हो, दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर दिस विल बी जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो विल बी वन, अगर एनीथिंग रेस टू जीरो वन होता तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो मेरा यूनिट क्या हो जाएगा के का, दैट विल बी मोल पर डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब पर सेकंड। आई होप समझ में आया, तो प्लीज ये देखना, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो सर, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू वन तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास यूनिट क्या बचेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मेरा यूनिट क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो आप उसको सिर्फ पर सेकंड लिखोगे, क्योंकि उस समय ये और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज रेस टू एक्स रेस टू क्या है, वन है। अगर सेकंड ऑर्डर रहेगा तो इफ इट्स एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट देन दिस विल गो अप, तो ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स डीएम क्यूब, बिकॉज सर दिस डीएम क्यूब इज गोइंग टू गो अप, तो वो सिंपल रहेगा सेकंड और मोल क्या हो जाएगा इनवर्स में चला जाएगा। अगर nth ऑर्डर रहेगा तो सर, इफ यू हैव गॉट एन nth ऑर्डर रिएक्शन तो आप कैसे लिखोगे, तो सर अगर nth ऑर्डर रहेगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू दैट्स मोल पर डीएम क्यूब दैट्स डिवाइडेड बाय दैट विल बी सेकंड इनटू 1 अपॉन
मोल पर डीएम क्यूब रेस टू एन। तो एक काम करते हैं, रेस टू एन को ऊपर लेके जाते हैं, एवरीथिंग विल बी गोइंग अप, तो मेरे पास क्या बचेगा। सो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ऊपर लेके, दिस विल बी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब रेस टू माइनस एन होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच जाएगा सेकेंड। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये वन है और ये माइनस वन है, माइनस एन है, तो दिस विल बी वन माइनस एन, सो दिस विल बी नथिंग बट मोल्स पर डी एम क्यूब वन माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। आई होप क्लियर है। सो दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ nth ऑर्डर। आई होप समझ में आया। थैंक यू।